दोस्तों तो करीब करीब 452 हो चुका है। वेट, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये मेरा थाईलैंड सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और अभी तक सो फार सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हमने अभी तक थाईलैंड के लोकल ट्रेन में सफ़र किया और यहाँ के मेट्रो में भी सफ़र किया हमने। उसके बाद हम आ गए यहाँ के वाकफॉर्म में, काफ़ी खूबसूरत टेम्पल है और यहाँ हमने लोकल कल्चर को एक्सपीरियंस किया। उसके साथ साथ हमने यहाँ के 46 मीटर लंबे रिक्लाइनिंग बुद्धा जी के स्टैचू को भी देखा, जो कि अपने आप में एक खूबसूरत आर्किटेक्चर है जिसको देख के आप भी अचंभित रह जाएंगे। और अभी तक क्या क्या खर्चा हुआ मैं बताता हूँ। खर्चा की बात कर लें तो अभी तक फ़्लाइट का 13,600 करीब पड़ा था, उसके बाद ई अराइवल में 2200 बात लगा है, आप हिसाब लगा लेना 2.5 से हिंदू करके। एयरपोर्ट पहुँचते ही हमने वहाँ से ट्रेन ले लिया जो कि 5 बात का पड़ा था पर पर्सन। वहाँ से फिर हम गए मेट्रो पकड़ा, फिर वहाँ से वाटसू पहुँच के घूम घाम लिए, फिर वहाँ से फेरी राइड भी किए, अच्छा लगा। फेरी राइड भी 5 बात का ही था, मतलब जो भी हो सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज़, जो रिक्लाइनिंग बुद्धा वाला टेम्पल है थोड़ा महंगा है, 200 बात लिया था एंट्री का। हाँ बट ये एक चीज़ है, आप फोटो वोटो पूरा भरपूर खींच सकते हैं अंदर जाके, पूरा एकदम मतलब वर्थ इट है। बहुत बड़ा, करीब करीब 45 से 50 फीट का मतलब स्टैचू है, बहुत बड़ा, मतलब वर्थ इट है। साथियों, मैं अभी हूँ बुद्धिस्ट टेम्पल में, जिसे रॉयल टेम्पल भी कहा जाता है, जिसमें राजा के 4 पीढ़ी के अस्थियाँ रखे गए हैं। सो ये टेम्पल फुइंग नकन रोड में है, जो कि बिल्कुल वाकफाओ के बिल्कुल पास में है। और इस टेम्पल को बनाया गया था 1869 में राजा चुलांगकोन के टाइम पे, और ये राजा बहुत ही मॉडर्न आर्किटेक्ट से प्रभावित थे। सो ये जो आप टेम्पल देख रहे हैं, ये मॉडर्न प्लस आपका थाई ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर का मिश्रण है। कलर्ड एंड शाइनिंग टाइल्स आपको चारों तरफ दिखेंगे, बहुत ही सुंदर सा टेम्पल है। आप आएंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा देखने में, आप देख के विश्वास नहीं कर पाएंगे कितना सुंदर है देखने में। साथियों, अगर आप इस टेम्पल पे आना चाहते हैं तो आप सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आ सकते हैं। एडमिशन फ्री है, कोई भी चार्जेस नहीं लिए गए हैं। एक रिस्पेक्टफुल अटायर में आना होगा, लिविंग या फिर छोटे ड्रेस नहीं पहन सकते यहाँ पर। और ये हफ्ते के 7 दिन खुला रहता है। तो भाई रास्ते में 7-Eleven दिख गया, तो एक बार जाके देखते हैं क्या क्या हिसाब किताब है सामान का, खाने पीने का सामान क्या क्या हिसाब किताब में मिलता है। चलिए, बहुत सारे वीडियो में देखा है, लोग जाते हैं देखते हैं, बियर वियर देखते हैं, हम भी देखते हैं। 50 ml 13 ये 335 18 बात का है, एक तो ले लो पीते रहे हैं। तो ये एक दिखा रहे हैं 18 बात का, करीबन डबल कर लो इसको, 45 हो गया। 24 बात है क्या? दिस टू थर्टी वन ओके, हाँ बेटा 31 ये हमने लिया कितना, 80 रुपये का इंडियन रुपी में 80 रुपीज़ के टू। चलो ये ले लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से, आ जाओ। अब निकलते हैं धीरे धीरे, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट घुसना है और खाउसन जो है कि यहाँ का पॉपुलर स्ट्रीट है सबको मालूम ही है। चलो बात के बीच में यार, 150 स्कॉर्पियन कीड़े वीड़े सब है यार, क्रोकोडाइल भी दिख गया, क्रोकोडाइल भी है, 150 का स्मॉल है, लार्ज है 200 बात का।
मतलब हाउ मच या यू बारी सम वन बिग वन हाउ मच या शो यू 100 या वीडियो गुड थाईलैंड यू बाय वीडियो फोटो थाईलैंड कम ऑन इंडिया। खाउसन रोड की क्या बात की जाए, खाउसन रोड काफ़ी फेमस है अमंग्स ट्रैवलर्स बैकपैकर्स। यहाँ की नाइट लाइफ, क्लब्स और स्ट्रीट फूड काफ़ी फेमस है। यहाँ लोग झूमने के लिए आते हैं, चारों तरफ लाउड म्यूजिक रहता है, फॉरेन ट्रैवलर्स लोकल सब मिलके यहाँ पर क्लब्स में पार्टी करते हैं, स्ट्रीट में पार्टी करते हैं जो कि रात भर चलता रहता है। यहाँ पर स्टॉल भी मोस्टली 5 बजे शुरू हो गए लगना, और जो असली मज़ा आता है वो 9 के बाद ही आता है। 9 बजे के बाद ही आपको यहाँ पर पब्लिक दिखती है, अच्छा खासा मतलब क्राउड दिखता है। क्या आपको पता है खाउसन रोड 1892 में बनाया गया था किंग रामा 5 के राज के दौरान, बट उस समय में सिर्फ यहाँ पर राइस की मार्केट होती थी, राइस को ही खरीदा बेचा जाता था। बट आज के समय में ये बैकपैकर्स और ट्रैवलर्स के लिए फेमस स्पॉट है। यहाँ आप $1 से भी चीप रेट में 7-Eleven से बियर लेके यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, या फिर $4 से $5 में यहाँ पर आप बियर खरीद के भी इंजॉय कर सकते हैं। मसाज केवल 200 बात से शुरू हो जाता है जिसका लुत्फ आप उठा सकते हैं। खाउसन रोड में रहने के लिए हॉस्टल्स की काफ़ी चीप ऑप्शन है जो कि आप booking.com में या फिर अगोड़ा में आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम भी आगे इंजॉय करते हैं। चलिए मसाज 150 बात से शुरू है, 150 गाइज आके आप मसाज उठा लीजिए। 150 बात से शुरू है, एकदम रास्ते के किनारे में लगाया हुआ है बिस्तर, जरिए मसाज कर देगा आपको तेल में लगा के। सबसे फेमस स्ट्रीट में बोल सकता यार यही है, सबको पता है इसकी स्ट्रीट के बारे में, हाउस और वॉकिंग स्ट्रीट दोनों स्ट्रीट में 30 रुपए में 30-40 में मिल जाता है ना। लेकिन आइसक्रीम तो नहीं, आइसक्रीम नहीं मिलता। मार्केट विल ओपन टिल मॉर्निंग दिस विल ओपन टिल मॉर्निंग मिडनाइट मॉर्निंग छोड़ो भाई, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा है घंटा प्रतिमा का आइसक्रीम कोकोनट आइसक्रीम 50 बात का। पहले खा लो, खाओ टेस्ट करो, पहले टेस्ट करो, खाउसन मार्केट में, खाउसन स्ट्रीट में ट्रेस करो कैसा है बताओ पब्लिक को। 50 हो गया मतलब 50 बात मतलब 700 सवा सौ रुपये का आइसक्रीम सही है भाई, इंडिया में इतना ही मिलता, सवा सौ मतलब 125 रुपये का भाई, इतना सजा के देता ना। 125 का आइसक्रीम सही है यार, ठीक ठाक है यार, इतना सजा के दिया है, मस्त सब कुछ डाल के दिया है, खाओ अच्छा लग रहा है। हाँ बढ़िया, तो बस दिखाना था तो इसलिए खाउसन रोड आए थे, घूम घाम लिया, आइसक्रीम खा ली कोकोनट वाली बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, इतना एंजॉय नहीं करना है बियर वियर पी के, नॉर्मल सी मतलब जस्ट दिखाना था, अपने वीडियो में कैप्चर करना था तो इसलिए आए थे। फेमस स्ट्रीट है, बाकी अभी निकलते हैं अपने स्टेशन की तरफ, मांगसू सनम चाय पहुँचना है, वहाँ से बांगसू, बट और एक ऑप्शन है बैंकॉक जाके भी हम लोग पकड़ सकते हैं, बैंकॉक टू बांगसू स्टेशन ट्रेन से 5-10 बाद में पहुँच जाएंगे, वही तो ना 5 बाद बीच। अब रोड लग रहा है यार, ये रोड लग रहा है, सही लाइटिंग है यार, रुक गया चल आ जा। पूरा रोड सजाया हुआ है यार, पूरा लाइटिंग वेडिंग किया हुआ मस्त है,
हुआ है यहाँ पर। अभी हम पानसू स्टेशन के एकदम पास में ही है, हमारा ट्रेन करीब 10:30 के बीच में है। तो डिनर का इंतजाम कर रहे थे। डिनर में देखिए ऐसा डिनर हमने ऑर्डर किया है, फ्राई राइस है, ऊपर से अंडा है, बगल में थोड़ा सा चीज़ चिकन बना के डाल दिया है। तो ऐसा खाना होता है। इसका ही कितना 60 बात का है। चलिए नॉर्मल हरा रंग का सफ़ेद रंग का ड्रिंक देखा था, ये लाल रंग का फैंटा हमने कभी नहीं देखा। ये है लाल रंग का फैंटा, थाईलैंड में ही मिलता है। अजीब गरीब है यार, पी के देखते कैसा है। काफ सिरप है यार ये तो, अच्छा नहीं है। ये लिया है स्प्राइट, ये देखते हैं। हाँ ये नॉर्मल टेस्ट है पांडे जी। सो दोस्तों हिसाब किताब ये है कि हम पेरू बैठ चुके हैं, तो अभी हमारे जर्नी शुरू हो गए हैं सूरत थाने के लिए। तो यहाँ से कल सुबह 9:30 के बीच में हम सूरत थाने पहुँच जाएंगे। 10 हमारी छुट्टी है, 10:20 के आसपास, 10:30 के आसपास। करीब 1200 बात मतलब 3000 रुपये करीब पड़ा है दो सीट का। यही बस में जाते हैं तो करीब 800-900 बात पड़ता। तो ये अपना ट्रेन है। ये मैडम आ रही है ब्लैंकेट ले गया। हेलो, ब्लैंकेट ब्लैंकेट भी मिल गया यार, स्पेशल ट्रीटमेंट है यार यहाँ तो। इंडिया में चेयर कार वाले इतना लंबा जाने किए नहीं थे, बट यहाँ कर रहे हैं 500 किलोमीटर का। टोटल 800 किलोमीटर है, 800 किलोमीटर तक का। यहाँ का डीटी लोग बहुत डाउन टू अर्थ होता है यार, बढ़िया से बात करता है। अपना इंडिया वाला होता डीटी नहीं लग रहा, पुलिस वाला लग रहा है होता है, देखा पुलिस वाला लग रहा है। बट कुछ भी बोले यार, अपना इंडिया वाला जो होता है ना अगर टीटी भाई, वो तो सर्कल रहता है, उसका दिमाग गायब रहता है हमेशा, उसको हुआ रहता है हमारा इंडिया वाला। यहाँ पर अभी तक ठीक ठाक ही लगाया ना बिहेवियर, सब ठीक ठाक ही लगाया। खाली एयरपोर्ट वाला छोड़ के एयरपोर्ट छोड़ के बाकी सब सही निकला है यार। तो आज के दिन का जर्नी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल बहुत छोटा है। और इसी के साथ हम कहते हैं।